सॉल्वेंट जो किसी भी केमिकल लिक्विड में डिजोल्व होने की प्रॉपर्टी रखता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो पेंट का जो इंग्रेडिएंट है सॉल्वेंट, उसके बारे में बात हो रही है। तो ये सॉल्वेंट मेनली मिनरल स्प्रिट्स, मिनरल्स एंड ट्रू टर्पेंटाइन, एसीटोन, नेफ्था, टालुइन, इसके जैसे और भी सॉल्वेंट्स हैं जिनको हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। तो पहला है ट्रू सॉल्वेंट। ट्रू सॉल्वेंट वह सॉल्वेंट है जो कि बाइंडर में डिजोल्व हो सकता है या फिर अदर केमिकल्स में भी डिजोल्व हो सकता है। ट्रू सॉल्वेंट असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है और वाटर को ही हम एज अ ट्रू सॉल्वेंट मान लेते हैं। नेक्स्ट है डाइलुएंट। डाइलुएंट वह लिक्विड है जो पेंट में मिक्स करने से बाइंडर की कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है लैटेंट सॉल्वेंट। लैटेंट सॉल्वेंट वह सॉल्वेंट है जो डिजॉल्व्ड मटेरियल के लिए एक ट्रू सॉल्वेंट नहीं है, लेकिन ये एक एक्टिव सॉल्यूशन के रूप में काम करता है। जैसे कि एग्जांपल में अल्कोहल ले लीजिए। नेक्स्ट है थिनर। थिनर बिल्कुल ही प्योर लिक्विड सॉल्यूशन होता है जो कि पेंट में ऐड करने पर ये विस्कोसिटी या फिर मतलब विस्कोसिटी और फ्लो रेट दोनों को ही मेंटेन करता है। पेंट में मिक्स करने से थिनर को विस्कोसिटी कम या ज़्यादा भी की जा सकती है और फ्लो रेट को मेंटेन भी की जा सकता है। नेक्स्ट है रिटार्डर। रिटार्डर लिक्विड या फिर पेंट के इवेपोरेशन रेट को स्लो करता है। नेक्स्ट है फ्रंट एंड सॉल्वेंट। यह सॉल्वेंट फास्ट ड्राइंग सॉल्वेंट है और पेंट अप्लाई होने के तुरंत बाद ही ये एवेपोरेट हो जाता है। आमतौर पर यह सॉल्वेंट ओवन तक पहुंचने से पहले ही सूख जाता है, जिससे कि पेंट फिर इजीली ओवन में सूख जाता है। फिर नेक्स्ट है वीओसी एक्सेम्प्ट सॉल्वेंट। वीओसी का मतलब वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। फिर है मिडिल सॉल्वेंट। इसमें तो कुछ नहीं, ये मीडियम इवेपोरेशन की प्रॉपर्टी रखता है। नेक्स्ट है ज़ाइलीन। ज़ाइलीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जो कि इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है पेंट मिक्स करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ में या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ में भी यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। ये कलर लेस होता है, मतलब कलर लेस प्रवृत्ति का होता है और नेचुरली इसको क्रूड ऑयल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है टालुइन। ये भी एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और कलर लेस ही होता है भी। इसका यूपीएसी नेम है मिथाइल बेंजीन। नेक्स्ट है ब्यूटाइल अल्कोहल, इसको ब्यूटेनॉल भी बोलते हैं। ये सॉल्वेंट मेनली अमीनो और एक्रेलिक रेजिन के लिए स्लो इवेपोरेशन में और नाइट्रोसेलुलोज के लिए सॉल्यूशन में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इथाइल अल्कोहल, मतलब एथेनॉल। ये भी नाइट्रोसेलुलोज के लिए, ये सॉल्यूशन में यूज़ नहीं किया जाता है, इसको फास्ट इवेपोरेशन सॉल्वेंट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एसीटोन। एसीटोन को विनाइल कोपॉलीमर और नाइट्रोसेलुलोज के लिए फास्ट इवेपोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है मिथाइल आइसोब्यूटाइल कीटोन, MIBK। इसका यूज़ लोअर इवेपोरेशन रेट की ज़रूरत पड़ने पर ही किया जाता है। नेक्स्ट है MEK, मिथाइल इथाइल कीटोन। ये काफ़ी पावरफुल सॉल्वेंट है। हालांकि मिथाइल आइसोब्यूटाइल कीटोन और मिथाइल इथाइल कीटोन दोनों ही काफ़ी पावरफुल सॉल्वेंट हैं। मिथाइल इथाइल कीटोन का MEK का यूज़ किया जाता है फास्ट इवेपोरेटिंग सॉल्वेंट के लिए और MIBK का यूज़ किया जाता है लोअर इवेपोरेशन रेट के लिए। और MEK जो है वो मेनली इसका यूज़ करते हैं विनाइल कोपॉलीमर्स, पॉलीयूरेथेन और इपॉक्सी पेंट्स के लिए। नेक्स्ट है ब्यूटाइल एसीटेट एंड इथाइल एसीटेट। मेनली इसका यूज़ किया जाता है नाइट्रोसेलुलोज कोटिंग्स में फास्ट इवेपोरेटिंग सॉल्वेंट के लिए और लोअर रेट सॉल्वेंट के लिए।